हरदा में फटाका फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद से देश भर में दहशत का माहौल है और इसी को लेकर अभी प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। प्रशासन के द्वारा लगातार फटाका फैक्ट्री और गोदामों के साथ ही दुकानों में चेकिंग की जा रही है। लापरवाही मिलने वालों के खिलाफ जहां जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है, वहीं कई गोदाम और दुकानों को सील भी किया गया है। इसी बीच अब इंदौर में मौजूद प्रसिद्ध सराफा चौपाटी को बंद करने या अन्य स्थान पर शिफ्ट करने की मांग भी उठने लगी है। सराफा व्यापारी एसोसिएशन ने इसके लिए नगर निगम, जिला प्रशासन और खाद्य विभाग के अधिकारियों को एक पत्र भी लिखा है। सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष की माने तो व्यापारियों के द्वारा प्रतिष्ठान बंद करने के बाद यहाँ रात में चौपाटी लगती है और कई तरह के व्यंजन यहाँ बनाकर लोगों को खिलाए जाते हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचकर व्यंजनों का स्वाद चखते हैं, लेकिन यहाँ गलियां सक्रिय होने से हमेशा दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। खाना बनाने में प्रयोग किए जाने वाले गैस सिलेंडर कई बार लीकेज भी हो चुके हैं। सराफा अध्यक्ष ने संभावना जताई है कि यहाँ पर किसी भी दिन बड़ी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए, हरदा में एक बहुत दुखद घटना हुई जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई। इस घटना से सबक लेके सिर्फ अभी ही नहीं, हमने 2 महीने पहले कलेक्टर महोदय, कमिश्नर मैडम और मेयर साहब तीनों को हमने एक लेटर दिया था कि कृपया सराफा बाजार पर भी ध्यान देवे। यहाँ पर रात्रि में काफ़ी गैस की टंकियाँ, गरम तेल की कढ़ाइयाँ, चाइनीज आग उगलने वाले चाइनीज खाना बन रहा है, काफ़ी सकड़ा बाजार है और किसी भी दिन बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आपको याद हो तो पिछले 1 महीने पहले सराफा में आग लगी थी, फायर ब्रिगेड अंदर नहीं आ पाई थी क्योंकि वो तो बहुत जल्दी का समय था, पर यदि रात्रि में आग लगती है तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर के खड़ी हो जाती है, तो कोई बहुत बड़ा दुखद हादसे का शायद हम इंतजार कर रहे हैं। और यदि ऐसा कुछ भविष्य में होता है, मैं तो दुआ करूं कि कभी ना हो, पर होता है तो प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार रहेगा। प्रशासन को हमारे लेटर को संज्ञान लेना चाहिए और उस पर निश्चित रूप से तुरंत ही कार्रवाई करना चाहिए। इसको हम शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं तो कहाँ इसको शिफ्ट लेके जाए? देखिए, ये हमारे फोर फादर ने लगभग 70-80 साल पहले इन लोगों को हमारी दुकानें होटले इसलिए दिए थे कि आप घर से मिठाई या नमकीन बना के लाओ और यहाँ पर शाम को हमारी दुकान मंगल होने के बाद बेच सकते हैं। पर उसका स्वरूप बदल गया, सारा सामग्री गर्म बनने लग गई, तेल की कढ़ाइयाँ, गराड़ू गर्म बन रहे हैं, सारी चीज़ें जो एक कुछ भी दुर्घटना का कारण बन सकती है। यदि आप इसे खुली जगह में ले जाए जहाँ पर कोई गैस की टंकी ना हो, पूरा गैस की पाइपलाइन हो और अच्छे से व्यवस्था हो, पार्किंग हो, सुविधा हो, भाई देवे कभी वहाँ दुर्घटना भी हो जाए तो उसको काबू करना बड़ा आसान हो जाएगा। गांधी हाल, हमने इसके लिए गांधी हाल, शांति पथ, दशहरा मैदान, इस तरह के बहुत सारे उनको प्रपोजल दिए कि आप इसे यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं। देश दुनिया में ख्याति प्राप्त है, ऐसे में इसको हटाना भी कितनी बड़ी चुनौती है। देखिए, ख्याति ज्यादा जरूरी है कि जान की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है? ख्याति तो दूसरी जगह जाएगी, वहाँ पर भी सराफा चौपाटी के नाम से हो सकती है, पर लोगों की जान माल सुरक्षा यदि आप हरदा से जोड़ेंगे तो हरदा के कलेक्टर SP सभी के तबादले कर दिए गए, तो क्या हम किसी दुर्घटना का ही इंतजार करेंगे? इस पर संज्ञान लेना चाहिए, यहाँ पर व्यवस्थित करना चाहिए लोगों को, प्रिकॉशनरी सारी चीजें, फायर फाइटिंग, यहाँ पे कितने इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, आग लग गई तो कैसे बुझाई जाएगी, भगदड़ मच गई तो लोग कहाँ भगेंगे। ख्याति प्राप्त होना ही सब कुछ नहीं है, पर लोगों की सुरक्षा और शहर की सुरक्षा ये होना मुझे ज्यादा बेटर लगता है कि इस पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। आपने आपके द्वारा कब ये जो मांग की गई थी? देखिए, ये मांग करीब 1.5 महीने पहले, मैं आपको लेटर की कॉपी भी दे दूंगा, 1.5 महीने पहले हमने तीनों को लेटर दिया था। उसके बाद वहां से कुछ फूड इंस्पेक्टर और आए भी थे, उन्होंने क्या पता नहीं कुछ खाना पूर्ति करी नहीं करी। अभी आग लगने के बाद वापस से कलेक्टर ऑफिस से कॉल आया था कि हम मिलना चाहते हैं, मैं बोला बिल्कुल मिलिए सर, हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। अच्छा, हम भी नहीं चाहते चौपाटी वालों के पेट पे लात पड़े, वो और कहीं जाके अपना व्यापार करें। इस दृष्टि से हम इस बाजार को सुरक्षित रखना चाहते, सुरक्षित देखना चाहते, और सिर्फ रात्रिकालीन चौपाटी नहीं, दिन में जो बंगाली कारीगरों की गैस की टंकियां हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन सकती है, उस पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए, वहाँ भी गैस पाइपलाइन लगाई जाना चाहिए। चौपाटी वालों से बात हुई थी आपकी, चर्चा हुई? चौपाटी वाला जो एसोसिएशन है वो असंगठित है, उनके 80 मेंबर है और यहाँ पे 160 दुकानें लगती जिस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, तो रात को 9 बजे बाद भगवान ही मालिक है इसका। मैं अनिल राका, अध्यक्ष सराफा एसोसिएशन इंदौर।
ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।